मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा, मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं आता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है। कहीं नहीं जाना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर पे कैसे बनाएं विटामिन सी सीरम या फेस सीरम। अभी मार्केट में बहुत से ब्रांड के सीरम अवेलेबल हैं, क्या ऐड करते हैं, क्या केमिकल है, आपके स्किन को सूट करेगा कि नहीं करेगा, एक्चुअली उसमें क्या डाला है, एंड कुछ अच्छे ब्रांड है तो उनकी प्राइजेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो आज मैं आपको घर पे फेस सीरम बनाना बताऊंगी, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बहुत कम चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए वो भी बता देते हैं। ग्लिसरीन आप देख सकते हैं, ये जो हाफ बॉटल है ये मैंने लास्ट विंटर यूज किया था और रख दिया था फ्रिज में, अब फिर से ये यूज करने वाले हैं। सो ग्लिसरीन चाहिए जो कि सबके पास ऑलरेडी होता है, नहीं होता है तो मैंने सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी है। अब आता है ऑरेंज ऑयल, मेन इंग्रेडिएंट ऑरेंज ऑयल, यानी कि नाम से ही पता है संतरे का ऑयल। और जो मैंने यूज किया है ये, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेरे हॉल स्टोर की। अगर आपके आसपास घर पे कहीं जनरल स्टोर में मिलता है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। जनरली मुझे ये मतलब ऑफलाइन नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगवाया था। और ये 15 ml की छोटी सी बॉटल है और इसके साथ हमें ये ड्रॉप ये मिलता है, तो इट इज़ वेरी यूजफुल, इसलिए भी मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया, क्योंकि सिरम जो है वो अच्छा लगता है अगर आप ऐसे ड्रॉप ड्रॉप निकाल के लगाओ। तो ये हो गया सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑरेंज ऑयल, मेन इंग्रेडिएंट है क्योंकि विटामिन सी होता है, बहुत अच्छा होता है अपने स्किन के लिए। तीसरा जो है वो भाई भाई लग रहे हैं दोनों बॉक्सेस, ऑल दो ये है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, शायद मेहंदी के पौधे का है ये, ठीक है सॉरी। इसके साथ भी हमें एक ड्रॉपर साथ में मिलता है, ये भी 15 ml की बॉटल है और ये दोनों ही प्रोडक्ट बिल्कुल महंगे नहीं है, बहुत कम प्राइस का है ये। इन टोटल आप जब सीरम तैयार होगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, क्योंकि मार्केट से जो हम लोग ऑलमोस्ट इतना बॉटल सीरम का लेके आते हैं 1000-1500 अच्छी ब्रांड का है, तो उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा। एंड मिलता भी है तो यू डोंट नो क्या क्या केमिकल्स उसमें डले हुए हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक सा और बहुत इफेक्टिव सीरम मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाना है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, कौन कौन से स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं, कौन कौन से स्किन टाइप वाले नहीं लगा सकते, ये सारी चीजें बताऊंगी। पहले हम इंग्रेडिएंट की बात कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट था रोजमेरी का ऑयल, प्राइस भी मैंने बताया कि ज्यादा महंगा नहीं है, तो वाकई ये रेंज बहुत एवरेज है, आप लिंक पे देख लेना एग्जैक्टली, क्योंकि थोड़े बहुत ऑफर आगे पीछे होते रहते हैं प्राइजेस। एंड लास्ट वन एंड वेरी कॉमन विटामिन ई कैप्सूल्स, ठीक है मैं जो यूज कर रही हूँ इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है, आप क्लिक करके वहां से ले सकते हैं। अब ये लेने वाली बात हुई बाद में, पहले हम बनाना सीखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, विटामिन सी सीरम या कोई सा भी सीरम जब हम बनाते हैं तो हमें ये ध्यान देना है। आपने कभी नोटिस किया कि जो भी बाहर से सीरम मिलते हैं, फेस सीरम मिलते हैं, उनकी क्वांटिटी ज्यादा बड़ी क्यों नहीं होती है? फॉर एग्जाम्पल बॉडी लोशन तो इतने बड़े बड़े डिब्बे में आते हैं, सीरम क्यों नहीं बड़े डिब्बे में आते? क्योंकि वो बनता है अलग अलग ऑयल से, और ऑयल जब सेपरेट है देन इट इज गुड, बट अगर वो मिक्स हो रहा है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मतलब खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो इतना ज्यादा लंबा आप नहीं रख सकते, वो इफेक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाती है। सो एक महीने के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, आप भी जब घर पे इसे बनाएंगे तो 25 days 20 days 30 days की रेंज का ही क्वांटिटी आप थोड़ा थोड़ा लेके बनाएंगे। वो यूज कर लिया, इनकेस बच भी जाता है तो डोंट यूज दैट, आपको खुद पता चल जाएगा वो सही है कि खराब है। अगर उसकी जो कह सकते हैं कि अगर वो ज्यादा थिक होने लग जाए या सेपरेट होके कुछ दिख रहा है, ज्यादा थिन होने लग जाए, तो आप उसे फेंक दें और वापस से दूसरा बना लें। इसीलिए जब भी बनाएंगे तो हम बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, अभी भी एक मंथ के अकॉर्डिंग मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जिनके अनइवन स्किन टोन है, मतलब लगता है कि मेरे स्किन में वो ग्लो नहीं आती है या नेचुरली, मतलब मेकअप तो मैं भी प्रेफर नहीं करती ना, मैं इसीलिए किसी को सजेस्ट करती हूँ, प्लस मेकअप इज लाइक आर्टिफिशियल लुक राइट, अगर आपको नेचुरली ग्लो चाहिए तो ये जो सीरम मैं बता रही हूँ इसको आपको डेली रात में इससे मसाज करके सोना है। आप इसे नॉर्मल बाकी सीरम की तरह भी यूज कर सकते हैं दिन में, लेकिन बेस्ट इफेक्ट अगर चाहिए तो आपको रात में इसे लगा के प्रॉपर थोड़ा सा मसाज करके सोना है। एनी हाउ इसमें जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं वो सबको सारे स्किन टाइप को सूट करता है, फिर भी आपको यूज करने से पहले पैच टेस्ट करना है। कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले पैच टेस्ट कर लेना चाहिए, स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी
हाथ के स्किन पे तो नहीं, क्योंकि आप इसे अपने फेस पे लगाने वाले हैं, तो बेटर रहेगा आप अपने यहाँ नेक के पास वाले स्किन पे एक रात लगा के इसे जस्ट ट्राई करें, सो जाए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखें। ऑल दो ये सबको सूट करता है, ठीक है। अभी मैं आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगी कि ये सीरम कैसे बनाना है, और आपको इसके लिए चाहिए बाद में इंग्रेडिएंट तो मैंने बता दिया, एक छोटी सी बॉटल और उसमें जिसमें कि हम इसे बना के रखेंगे। और ध्यान ये देना है ध्यान ये देना है कि सनलाइट ना आए जहां भी आप वो सीरम रखे ना, ऐसा ना हो कि गलती से आपने विंडो वगैरह पे रख दिया और सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है। बेटर आप अपने फ्रिज में रखें या किसी लाइक ड्रॉअर वगैरह में डाल दें जहां पे सनलाइट बिल्कुल भी ना जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चारों इंग्रेडिएंट के साथ मैं रेडी हूँ। आप एक छोटा सा बोल ले लेना जिसमें बनाएंगे, और एक छोटी सी कोई भी घर में खाली बॉटल साफ करके रख लेना जिसमें आप अपना सीरम फाइनली बना के रखेंगे। अब सबसे पहले आपको क्वांटिटी बता दूं, ग्लिसरीन एक बड़ा चम्मच, ये रोजमेरी ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल ये दोनों दो दो बड़े चम्मच। मेरे पास अभी यही वाला स्पून अवेलेबल है तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी लूंगी। बड़े चम्मच से मेरे कहने का मतलब है जो घर में नॉर्मल इतने बड़े साइज के जो स्पून होते हैं वो वाले, एंड 4 से 5 ये विटामिन ई के कैप्सूल। एक स्पून मैंने ग्लिसरीन ले लिया, ऑरेंज ऑयल, पांच स्पून। देखो आप ये मेरी बॉटल खत्म हो गई क्योंकि मैंने इसे पिछली बार यूज किया हुआ है, दिस इज नॉट न्यू, मैंने इसे पहले बना लिया, दिस इज सेकंड टाइम आई एम यूजिंग इट। और ये हो गया रोजमेरी ऑयल, इसकी भी क्वांटिटी उतनी बची होगी क्योंकि मैंने इसे पहले यूज किया हुआ है। फुल जार, हाँ फाइनली। सो 2 स्पून ये ट्रांसपेरेंट कलर में, बट जो ऑरेंज ऑयल है वो थोड़ा ऑरेंजिश है, ठीक है। ये हो गया इनके काम खत्म। अब बहुत मेहनत का काम ये विटामिन ई कैप्सूल ओपन करना, सो मैं फास्ट फॉरवर्ड ऑलरेडी कर ही रही हूँ इसीलिए ताकि आपका भी ज्यादा टाइम ना जाए। 4 से 5, और जो थोड़ा एलोवेरा जेल प्रेमी है अगर वो चाहे तो एलोवेरा जेल भी इसमें यूज कर सकते हैं, बट मैंने एलोवेरा जेल इसलिए भी नहीं बोला बिकॉज सबकी स्किन को वो सूट नहीं करता या ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको डालेंगे, ये 4 इंग्रेडिएंट भी काफी रहते हैं। चार डाल लिए, ऐसा करते हैं एक और ले लेते हैं 5, क्योंकि ये इतने छोटे आते हैं ना कैप्सूल्स, एक दो ड्रॉप तो उसमें ही वापस चले जाते होंगे, ठीक है। ये मिक्सचर हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ये मैं आपको पास पे लाके दिखा देती हूँ। ये इतना प्यारा सीरम है ना कि ऐसे तो आप इसे सारे सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली विंटर में लोगों को स्किन प्रॉब्लम को ज्यादा होने लगती है, ड्राई होने लगती है, तो विंटर में तो ये ऐसा जादू जैसा काम करेगा। आप है ना जरूर यूज करके मुझे बताना किसको किसको क्या रिजल्ट मिले। तो ये आपका मिक्सचर जो है ये तैयार, ऑलमोस्ट आपको इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है सो दैट इवनली ये मिल जाए। अब ये सारा एक सा कलर हो गया, ऐसा व्हाइट और ये कुछ अलग नहीं है, तो ये जो मैंने बॉटल क्लीन करके रखी हुई है मैं इसमें से रिफिल करूंगी। रिफिल तो क्या मतलब, लास्ट टाइम नहीं लिया था, थोड़ा सा साफ सफाई ध्यान देंगे, थोड़ा ऑब्वियसली घर पे बना रहे तो आपको क्लमजी लग सकता है, बहने वहने का ध्यान देके आपको करना पड़ेगा, बट दिस इज लाइक मिरेकल। तो ये मेरा होममेड सीरम रेडी है, अब इसे मुझे जब भी लगाना हो भी हाथ पे मेरे एक ड्रॉप लगा के जस्ट दिखा देती हूँ। ऑल्दो ये ऐसा एक ड्रॉप लगा के दिखाने जैसा नहीं है, सॉरी ये तो इसमें जा ही नहीं रहा है, रुको एक मिनट। ये एक ड्रॉप लगा के जैसा नहीं है, रात में इसको आपको मसाज करके छोड़ना है, बट इंस्टेंट भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने एक ड्रॉप लिया, आपको दिख रहा है मेरे हाथ पे, एंड अभी इससे मसाज करते थोड़ा सा। जिसकी हाथ पैर बहुत डल है ना, जैसे कि हाथ पैर बहुत रूखे हो जाते हैं, तो ये क्या क्वांटिटी तो बहुत थोड़ी है, पूरा पूरा तो आप नहीं लगा पाओगे, बट आप इसको स्पेशली कोई एरिया है, सपोज जो हाथ के पास ये जो एरिया होता है ये किसी किसी का बहुत ड्राई होता है, तो इन सब पे भी आप वहां पे इसे पर्टिकुलरली यूज कर सकते हो, या फिर यू कैन एड इट विद योर लोशन एज वेल। तो आप ये मेरा हाथ देख रहे हो गए, ठीक है,
अभी अभी मैंने इस पे सिरम लगाया है, दोनों हाथ में डिफरेंस तो दिख रहा होगा, ऑल्दो ये डिफरेंस दिखाने का एज सच कुछ सेंस बनता नहीं, बिकॉज मैंने आपको जैसे बोला आपको वैसे यूज करना है, ओवरनाइट सिरम की तरह इसे यूज करना है। अभी आपने देखा मैंने कितनी इजिली सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से होममेड सिरम बनाया है। आपको इसमें पता है कि क्या क्या डला है, तो आप बिंदास आंख बंद करके इसे यूज कर सकते हैं। जिनकी जिनकी स्किन भी डल हो गई है, चेहरे से चमक गायब हो गई है, उन्हें लगता है मेरी डाइट प्रॉपर है, सब कुछ अच्छा है, बट देयर इज नो ग्लो, तो वो लोग इसे स्टार्ट करें यूज करना। एंड आफ्टर अ मंथ आप अपना रिजल्ट मेरे से जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैंने वैसे सारी चीजें बता ही दी, इसके बाद भी आपकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो एज ऑलवेज ओपन टू आंसर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इफेक्टिव रिजल्ट मिले या नहीं मिले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय।